नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल दी। पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार दूसरे दिन भी मौसम खराब रहा। यहाँ पर अचानक कड़ाके की सर्दी ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। दूसरे दिन भी बुरांसकांडा, धनौल्टी और सुरकंडा सहित नागटीबा में बर्फबारी होने से पर्यटकों का तांता लगा रहा। मसूरी से 20 किलोमीटर की दूरी पर धनौल्टी, सुरकंडा और बुरांसकांडा में करीब 6 इंच तक हिमपात हुआ है। वहीं दिल्ली से आए पर्यटकों ने कहा कि वो इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और मना हम निकले थे यहाँ के लिए, मंसूरी के लिए, और वहाँ पर दबा के बारिश हो रही थी, तो हमने सोचा आगे चलते हैं, लेकिन वहीं से ही बर्फबारी स्टार्ट हो गई थी और हम यहाँ पे आके बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हमें बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हमारी 25th एनिवर्सरी है, सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करने आए हैं, बर्फ देखने आए हैं, धनौल्टी में इतना मज़ा आ रहा है ना। बैंगलोर से आए हैं और यहाँ हम धनौल्टी में स्नो एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है और ये पहली स्नो है धनौल्टी की। 1500 किलोमीटर से आए हैं ट्रैवल करके, बस ये धनौल्टी की बर्फबारी देखने में बहुत अच्छा लगा। एक्सपेक्टेशन नहीं था कि अभी इतनी ज़्यादा बर्फबारी होगी, 1 डिग्री हो रखा है और बस बहुत मजा आ रहा है। पर्यटन नगरी धनौल्टी में इस सीजन की पहली बर्फबारी से जहां पर्यटक और धनौल्टी के व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं बर्फबारी के कारण चंबा मसूरी मोटर मार्ग बंद हो गया। प्रशासन धनौल्टी के आसपास बंद पड़े रास्तों को खुलवाने के लिए मुस्तैद है। बर्फबारी के कारण कड़ाके की ठंड पड़ गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। टिहरी में भी रात से ही रुक रुक कर बर्फबारी जारी रही। बर्फबारी के दौरान तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आगे भी मौसम इसी तरह का बना रहेगा। शीतलहर के चलते अधिकांश जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया। वहीं 4 धामों में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। चमोली जिले में भी बर्फबारी देखने को मिली। चमोली जिले में भी देर रात से बद्रीनाथ धाम और औली सहित ऊंचाई वाले इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी होती रही। वहीं निचले इलाकों में हो रही बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। कड़ाके की ठंड के चलते लोग अपने घरों और दुकानों में दुबकने को मजबूर हो गए, जबकि पर्यटक स्थली औली में पर्यटकों का तांता लगा रहा और पर्यटक जमकर लुत्फ उठाते रहे। औली और जोशीमठ और पहाड़ के लिए बहुत ही एक सुहाना मौसम है और यहाँ पे जो अभी बर्फ पड़ी है, ये 1997-98 के बाद आज पहली बार इतनी बर्फ पड़ रही है। और जो जो इस क्षेत्र का बर्फ के लिए जाना जाता है औली, विश्व हिम क्रीड़ा स्थल, औली में लगातार बर्फबारी हो रही है। लगभग पौड़ी जनपद में भी सीजन की पहली बर्फबारी ने कुदरत का श्रृंगार कर दिया। बर्फबारी की सफेद चादर ने पहाड़ों में ठंड बढ़ा दी, लेकिन अब बर्फबारी के बाद स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। इस सीजन की पहली बर्फबारी से जहां स्थानीय लोगों को व्यवसाय की उम्मीद जगी है, तो वहीं पर्यटकों को भी पहाड़ में आकर काफी अच्छा लग रहा है। थलीसैंण, लैंसडाउन, मंडाखाल और भूमखाल समेत कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह से ही बर्फबारी होती रही। बागेश्वर के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से युवा कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस खेल महाकुंभ का शुभारंभ महाविद्यालय के खेल मैदान में जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के द्वारा किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत बसंती देवी भी उपस्थित रहीं। जिलाधिकारी ने खेल महाकुंभ 2019 का ध्वजारोहण किया और मशाल लेकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खेल महाकुंभ 2019-20 है, उसका शुभारंभ आज यहाँ पे किया गया है। जो उसमें जो हमारे पहले न्याय पंचायत स्तर पर खेल हुए, जो न्याय पंचायत स्तर पर जो टीम बच्चे विजेता थे वो ब्लॉक स्तर पर खेले। जो ब्लॉक स्तर से जो विजेता टीम या बच्चे हैं वो जनपद स्तर पर प्रतिभा करेंगे। तो इस तरह से हमारे पूरे जनपद में हम देखें तो 13,500 बच्चों ने विभिन्न खेलों में प्रतिभा। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष विनोद रतूड़ी का टिहरी जिले आगमन पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। चंबा और नई टिहरी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यालय में हुई बैठक में जिलाध्यक्ष विनोद रतूड़ी ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन वो ईमानदारी से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अधिक से अधिक मेरे पास 48 मोर्चा, प्रकोष्ठ, विभाग और प्रकल्प है। मैं सभी लोगों को इस मंच के माध्यम से ये कह सकता हूँ कि जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने के लिए तैयार है, मैं निश्चित रूप से उनको संगठन में दायित्व दूंगा, उनसे काम भी लूंगा, उनका काम करवाने के लिए उनको प्रेरित। संतों की वरिष्ठ संस्था कही जाने वाली अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के गठन को लेकर एक बार फिर से संत लामबंद हो गए। अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता और वरिष्ठ संत बाबा हठयोगी ने अखाड़ा परिषद के गठन पर सवाल निशान खड़े करते हुए कहा कि जिस तरह से असंवैधानिक और नियमों को
पतंग पर रखकर अखाड़ा परिषद का गठन हुआ वो एक गलत कदम है, क्योंकि नियम के अनुसार अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री पद पर वैष्णव और सन्यासी परंपरा के संतों को आसीन होना चाहिए। लेकिन निरंजनी अखाड़े के महंत नरेंद्र गिरी और जूना अखाड़े के महंत हरिगिरी ने हरिद्वार में होने वाले कुंभ की करोड़ों निधि डकारने के लिए नियम कानूनों को ताक पर रख दिया। अखाड़ा परिषद के आज तक के इतिहास में सन्यासी का अध्यक्ष और सन्यासी का ही महामंत्री रहता है, कभी नहीं रहा। अगर सन्यासी का अध्यक्ष है तो वैष्णवों का महामंत्री रहेगा, अगर शैवी का महामंत्री है तो वैष्णवों का अध्यक्ष रहेगा, यह परंपरा चली आ रही। टिहरी जिले के पर्यटक स्थल धनौल्टी में एटीएम न होने की वजह से यहां आने वाले पर्यटकों और दुकानदारों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि किसवीं सदी में वो लोग जी रहे हैं, लेकिन देश विदेश में प्रसिद्ध धनौल्टी पर्यटक स्थल में आज तक एटीएम नहीं है। लोगों ने मांग की कि जल्द से जल्द यहां पर एटीएम लगाए जाए। जी देखिए, एक और जहां टूरिस्ट बढ़ रहा है और मोदी जी ने जो कैशलेस इंडिया के लिए बात रखी है, तो धनौल्टी अभी तक एटीएम से वंचित है। हमने यहां से काफ़ी कोशिश करी है एटीएम लगवाने की, लेकिन अभी तक कोई ऐसा पहल नहीं की कि एटीएम लगे और कस्टमर बहुत परेशान रहते हैं। और धर्मनगरी हरिद्वार के कनकल थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े उस समय सनसनी फैल गई जब मामूली कहासुनी में दोस्त ने दोस्त की कैंची से गोद कर हत्या कर दी। मामूली बात पर हुआ झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि आरोपी दीपक और काका ने क्षेत्र के ही रहने वाले अपने दोस्त कृष्ण शर्मा को कैंची से गोद कर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए। ये घटना बंगाली मोड़ की है। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों ने घायल कृष्ण शर्मा को बंगाली अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर देर शाम को डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमारे हॉस्पिटल के बाहर कैंची से बात करा, ये लड़का भी यहीं कहीं पिछले बार गया। अच्छा, आपका भी नाम है उसका? संदीप, उसका नाम है, थोड़ा जानकारी। ये अभी पुलिस को अभी आधा घंटे पहले ही सूचना मिली है कि एक व्यक्ति जिसका नाम किशन है, जो कनकल थाना क्षेत्र में का रेजिडेंट है, इसकी अपने दो जनों के साथ जो इसको जान पहचान वाले थे उनके साथ आज दिन में किसी बात पे उनके बीच में हुआ है लड़ाई, और उसी में इसको फिर यहाँ पे हॉस्पिटल उसमें एडमिट करवाया गया और शाम को करीबन 5 बजे। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रहीं। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।